हमारे दादा लोग शायद कंफ्यूज है रास्ते के लिए, इसलिए खड़े हुए हैं। यहाँ से पानी में होकर गुजरना पड़ेगा। हम वहाँ से उस रास्ते से नीचे आए थे और इधर से ये जो नदी मैया आती है, नाम इधर और आप हमारे इन रोटियों की स्याही देख सकते हो, एक ही का ये नीलकंठ गांव है और पीछे उस राम जी मंदिर से चाय प्रसाद पाकर आगे बढ़ रहे हैं। ये पीछे नीलकंठ गांव है और गांव से निकलते ये सामने पानी की टंकी आती है और यहाँ से तीन रास्ते फटते हैं और हमें ये राइट वाला रास्ता पकड़ के आगे जाना है। आगे यहाँ से आवरी घाट आएगा, बावरी घाट। बावरी घाट पता नहीं यहाँ से कितना है, लगभग 9-10 किलोमीटर बता रहे हैं। और गांव में वीडियो रिकॉर्ड करना भी मुश्किल होता है, दुनिया भर के बड़े बड़े स्पीकर बजते रहते सुबह सुबह। नीलकंठ गांव को पार कर हम इन खेतों के रास्ते से आगे बढ़ रहे और हमारे सिंपल मार्ग परिवार के एक सदस्य श्री विश्वास काणे जी, उन्होंने कमेंट में पूछा था कि वीरेंद्र भाई आपने चवन ऋषि आश्रम क्यों छोड़ दिया, कुछ कारण रहा होगा। तो हाँ विश्वास जी, कारण बहुत सारे हैं चवन ऋषि आश्रम को छोड़ने के। पहला कारण तो था कि वहाँ से जाने में 7-8 किलोमीटर बढ़ जा रहे थे और दूसरा कारण था कि हमारे साथी जाना नहीं चाहते थे, तो फिर अकेला मैं भी नहीं गया क्योंकि सारा मार्ग जंगल का था तो मुझे साथ भी बनाए रखना था। और तीसरा महत्व का कारण था कि समय का अभाव। अभी गर्मी आने वाली है और गर्मियों में चलना बहुत ही मुश्किल है, तो जितना हो सके इतना सफ़र हम अभी इस समय पूरा करना चाहते हैं ताकि गर्मियों में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि गर्मियों में तो 15-20 किलोमीटर काटना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए बहुत से तीर्थ मैंने छोड़ दिए जिन्हें दूसरी बार परिक्रमा में ज़रूर जाऊंगा। तो यही कुछ कारण थे। नर्मदा और इस तरफ भी, जहाँ तक नज़र करो सिर्फ और सिर्फ खेतों में गेहूँ ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर गेहूँ अत्यधिक मात्रा में किए जाते हैं। आगे कोई गांव आया, पता नहीं गांव कौन सा है क्योंकि ऐसे छोटे छोटे गांव आते रहते हैं। और एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों के जो कमेंट आते हैं उन सभी को मैं पढ़ता हूँ और रिप्लाई करने का प्रयास भी करता हूँ, मगर रिप्लाई कर नहीं पाता हूँ इतने सारों के, तो उन्हें पढ़कर लाइक ज़रूर करता हूँ। फिर भी बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ क्योंकि इतनी सारी कमेंट कि मैं अगर घर पर बैठा होता तो रिप्लाई कर देता। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि अब आगे से मैं जो कमेंट का बॉक्स है उसे ऑफ करके रखूँगा, तो कोई कमेंट नहीं कर पाएगा अब आगे से। और अगर किसी का कोई प्रश्न है या कोई मुझसे बातें करना चाहता है तो वह मेरे इंस्टाग्राम पर मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, एसएमएस कर सकता है। मैं इंस्टाग्राम पर हर संभव रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। तो ऐसी कुछ बातें हैं। हमारे दादा लोग शायद कंफ्यूज है रास्ते के लिए,
इसलिए खड़े हुए हैं। और यहाँ से हमें वापस पक्की सड़क मिल गई है। अब ये पक्की सड़क कहाँ तक जाती है वो पता नहीं, इस तरफ से आती है। और इस मार्ग पर ट्रैक्टर डंपर दुनिया भर के चलते हैं, क्योंकि यहाँ से रेती का निकास किया जाता है। देखो ये रेती भर भर के डंपर जा रहे हैं। सुबह के 12 बजे पर पक्की सड़क जो पीछे आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से सिंध गांव डीमावर होते हुए हम आवरी गांव पहुँचे हैं। ये आगे जो आपको दिखाई दे रहा है ये आवरी गांव है। और यहाँ से आगे जाजना गांव है। अभी तो हम देखते हैं या आवरी घाट में दोपहर का भोजन प्रसाद करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। और अभी हम बावरी गांव में आए, यहाँ से रास्ता जा रहा है और यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, बब्बे शिवर शिव मंदिर बावरी घाट। पता नहीं आगे कौन, देखते आगे पूछते। ये पीछे बावरी गांव है, यहाँ से आते तो एक रास्ता ये मैया के किनारे जाता है और यही से आगे जाजना होते हुए आगे बढ़ना है परिक्रमा मार्ग। और इस तरफ हमें आश्रम बताया गया, तो इस तरफ जा रहे हम। यहाँ से जाजना 3 किलोमीटर है। ये एक छोटा सा मंदिर है हनुमान जी का पीपल के नीचे। तो यहाँ दर्शन करके जाजना यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, तो मैं जाजना जाऊँगा। जय बजरंगबली। पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित है बजरंगबली और उसके आसपास ये मंदिर बनाया गया है। यहाँ भी अगर चाहे तो परिक्रमावासी सो सकते हैं आराम से, पक्का मंदिर बनाया हुआ है। पीछे हनुमान जी मंदिर में थोड़ी देर विश्राम कर अब हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये आगे थोड़ा ही आगे नर्मदा माता का मंदिर है, यहाँ पर दर्शन करेंगे और फिर यहाँ से जाजना 3 किलोमीटर बता रहे, तो देखेंगे वहाँ आएंगे। ये है नर्मदा मैया के बिल्कुल तट पर, नर्मदा मैया का मंदिर है। ये तट पर ही मंदिर है, अगर नर्मदा हर कहने पर अंदर से किसी ने कोई प्रतिसाद नहीं दिया तो अभी इस रास्ते से चलते हुए हम जाजना की तरफ जाएंगे। और ये रास्ता मैया के किनारे ही जा रहा है। और यहाँ से पानी में होकर गुजरना पड़ेगा। हम वहां से उस रास्ते से नीचे आए थे और इधर से ये जो नदी मैया आती है, नाम इधर पता नहीं चला उसका, पात्रा का या मिट्टी से जैसा ब्रिज जैसा बना के रास्ता बनाया, उसको पार कर हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा पानी से होकर निकलना पड़ता है। ये इधर से कोई नदी मैया आती है और पहले यह नर्मदा मैया में संगम होता होगा, मगर अब ये रेती निकालने के लिए रास्ते बना दिए। इधर से हम आए और ये मैया के किनारे किनारे रास्ता यहाँ से ऊपर जाता है। और जो सामने गांव है उसका नाम भी बाबरी है, ऐसा मैप में बता रहे।
चलो ऊपर, चलो चलो ऊपर, आपके साथ में थे। इस रास्ते से हम आए ऊपर और यहाँ से हमें पक्की सड़क मिल गई है। अब जाजना नज़दीक ही बता रहे, तो धीरे धीरे जाजना जाते, देखते वहाँ पर आश्रम वगैरह है या नहीं, क्योंकि आवरी घाट में तो आश्रम हमें मिला नहीं, और था भी तो किसी ने अंदर से कोई प्रतिसाद नहीं दिया। जाजना कितना दूर है? जाजना तो 1 किलोमीटर है। हाँ हाँ, और रेऊ गांव, रेऊ गांव, रेऊ गांव 5-6 किलोमीटर जाजना से, 5-6 किलोमीटर। ठीक है, नर्मदे सर बिल्कुल मैया के किनारे किनारे पक्का मार्ग है, और उसी पे चलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। मगर यहाँ पर रेती निकालने वालों ने सारा रास्ता खराब कर दिया। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, ये ऊंचे नीचे खेत देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे हम उत्तराखंड में घूम रहे हैं। और यह है जाजना गांव। इधर से मैं आया था, आगे गांव में गया था, मगर इस रास्ते पर आगे आश्रम बताया, तो मैं वापस आकर इधर जा रहा हूँ। सामने जो वाइट है इसे ही आश्रम बता रहे। सामने आश्रम है, और अभी हम जाजना गांव के आश्रम में हैं और यहाँ पर भोजन बना रहे। और आप हमारे इन रोटियों की साइज देख सकते हो, एक ही काफी है। नहीं बाबा जी, दोपहर के 2 बजे और जाजना गांव का ये पीछे आश्रम है, छोटा सा है मगर अच्छा आश्रम है। यहाँ पर महाराज जी है और सदा व्रत देते हैं, तो हमने यहाँ पर खाना पकाया, खाया, और अभी यहाँ से आगे वापस गांव की तरफ आगे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से हम आए थे किनारे के रास्ते से, और ये सीधा रास्ता गांव को जाता है, और इस तरफ है ये आश्रम सामने, और हमें ये वापस आगे गांव से रास्ते आगे जाना है। नरलाई, हाँ ये बोर्ड भी लगा हुआ है ना, आश्रम मार्ग, और नरलाई यहाँ से कोई 5 बता रहा है, कोई 8 बता रहा है, 5 से 8 के बीच में है जितना भी है। अभी यहाँ से लेफ्ट जाना है कि सीधा जाना, पूछना पड़ेगा दादा। सीधा जाना कि लेफ्ट जाना? सीधा जाएगा ना, सीधा। ये गांव से थोड़ा ही आगे आते तो एक बोर्ड लगा हुआ परिक्रमा मार्ग इस खंबे पर, और यहाँ से हमें राइट मुड़ना है। आश्रम से हम थोड़ा ही आए, इधर 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 दादा, ये मार्ग है ना। और इधर देखिए खेतों में फुहारे लगाए हुए हैं, दिखाई भी अच्छे देते हैं, पानी की भी बचत होती है, और सिंचाई में किसी भी तरह की मुश्किल नहीं होती है। यहाँ पे किसी मजदूर की ज़रूरत नहीं, एक बार चालू किया
और ये आगे जो गांव दिखाई दे रहा है इसका नाम भी है मट्ठा गांव, और वो पीछे था वो था मट्ठा टेपरी, मतलब कि इस गांव की एक छोटी सी ब्रांच थी और ये गांव थोड़ा बड़ा है। और ये आगे जो चौराया पड़ता है वहाँ से सीधे लेफ्ट की तरफ हमें निकलना है।